गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट। डियर फ्रेंड्स, क्रैक यूपीएससी सीएससी वन ऑफ द बेस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, एज यू नो, आप जानते हैं। बट यू विल गेट इन दिस प्लेटफॉर्म गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज है। वन ऑफ द बेस्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट बेस्ट एडुकेटरों की टीम के साथ आपको प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई का मौका मिलता है डियर फ्रेंड्स। एंड व्हाट यू विल गेट इन दिस प्लेटफॉर्म, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिजाइन कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, अनलिमिटेड एक्सेस है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, चैट विथ योर एडुकेटर, इंग्लिश डिस्कशन, आस्क योर एनी टाइप ऑफ डाउट जो है आप लोग। गुड मॉर्निंग संज्योति, संज्योति गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप देख लेंगे क्या, व्हाट यू विल गेट इन दिस प्लेटफॉर्म। यू विल गेट वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिजाइन कोर्स है, डेली लाइव क्लासेस है आपके लिए, फिर लाइव एंड टेस्ट क्विजेज है इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस है। ये डाउनलोड कीजिए लर्निंग एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप और हम लोग पढ़ाई करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहें तो चूंकि टाइम पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो अनअकैडमी _ नवनीत सरन के साथ आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, NAVN88SHARN है। और अबाउट मी, मेरे बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जान लीजिए कि माय नेम इज नवनीत, नवनीत सरन, हिस्ट्री ऑनर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, वन ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड चाइनीज स्टडीज, एंड मोर देन वन डिकेड से भी अधिक समय से दिल्ली के IAS इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का अनुभव है। और इसी अनुभव को माय डियर फ्रेंड्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से। अगर पिछला क्लासेस आप लोग देखें, अगर हिस्ट्री अभी अभी ज्वाइन किया है आप लोगों ने मेरे क्लास को, तो फिर आप लोग मेरे पिछले क्लास में जाके एक बार पूरे हिस्ट्री से रूबरू हो सकते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि किसके साथ टॉप 100 प्लस टॉप एडुकेटर जो टीम है इनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। 100 प्लस टॉप एडुकेटरों की टीम में आपके साथ जो है बहुत सारे आपके, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं डियर फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी यूपीएससी क्वालिफाई भी कर चुके हैं, और ये लोगों के गाइडेंस में आपको जो है पढ़ने का मौका मिलता है। इसमें आप रोमेन सैनी सर के साथ आप देख सकते हैं, सुदर्शन गुजर, और सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ना केवल एक एडुकेटर से, आप किसी भी एडुकेटर से जो है पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, यूपीएससी का प्रॉपर जो है गाइडलाइन आपको मिल सकता है। और इसमें जो चेंजेस है सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक बार आप लोग देख लें कि इसमें अगर प्लस कोर्स में आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीजेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर स्केड्यूल, पर्सनल कोच और डेली मेन स्टडी प्लानर वगैरह जो है, एक इनका आइकॉनिक कोर्स भी है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उससे मिलता है आप लोग को। और 12 मंथ का 10% डिस्काउंट की जो बात है, NAV01 कोड अगर आप लोग लगाते हैं तो ये जो चार्जेस है 44,500 रुपी। और इसमें आप देख सकते हैं कि ना केवल यूपीएससी का जीएस एंड ऑप्शनल, ये दोनों कोर्सेज है सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। और ऐसे ही जो आइकॉनिक कोर्स है, आइकॉनिक कोर्स के बारे में एक बार आप लोग जान ले, ये बेहद ही जानना जरूरी है। तो इसमें आप लोग को सबसे बड़ी चीज क्या है कि पर्सनल कोच मिलते हैं, यानी कि कैसे लाइन लेंथ पे आपको बॉल डालना है, क्या पढ़ना है, डेली मेन एंड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस है, स्टडी प्लानर है आप लोग के लिए, पर्सनलाइज फीडबैक आपको मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे जो आइकॉनिक कोर्स है। और किसी भी सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एक पर्सनल कोच की बेहद ही जरूरत होती है, तो ये मिलता है आपको। और आप देख सकते हैं जो 12 मंथ का जो प्लान है यहाँ पे, ठीक है, 12
12 मंथ का जो प्लान है इसमें 10% डिस्काउंट के लिए जो है ये NAV01 कोड आपको लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट मिलता है और एक अभी 31 अक्टूबर यानी कि अभी 1 दिन रिमेन है, 1 डे और, तो इसमें एक इंट्रोडक्टरी ऑफर भी अभी है, अगर आप लोग चाहें जोड़ना चाहें तो इसमें जो है ऑप्शनल कोर्स का 27,500 रुपीज जो है ये डिडक्ट हो जाता है, यानी कि जीएस का जो है 49,500 रुपी और ऑप्शनल 27, ये 31 अक्टूबर, आफ्टर 31 अक्टूबर 77,000 हो जाता है। एक बार आप लोग गुड मॉर्निंग रूबी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी 12, ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी ऑफर देख सकते हैं, ये कल तक के लिए है, आप लोग एक बार इसको समझ लें चीजों को। तो डेडिकेटेड फोकस्ड भी है इस प्लेटफॉर्म पे ऑप्शनल कोर्सेज। और कल किसी ने विशाखा, शंगर, रूबी, अंकिता, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों में से क्या अभी तक आप लोगों ने फाइनल किया कि नहीं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखना है? कल किस कोई आप लोगों में से ही पूछ रहा था, बाद में जब चैटिंग देखा हमने, ऑप्शनल कोर्स आप लोगों ने डिसाइड कर लिया? रैनी सिंह, रानी सिंह, आप लोगों ने ऑप्शनल कोर्सेज ज्वाइन, रूबी बहन, सुप्रभात, ठीक है, ऑप्शनल कोर्सेज क्या क्या ज्वाइन किया आप, क्या क्या ऑप्शनल कोर्सेज आप लोगों ने ऑप्ट किया? अब वक्त आ गया है कि ऑप्शनल की तैयारी भी की जाए। आप देख सकते हैं इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है, PSIR है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, क्या ऑप्शनल चूज किया आप लोगों ने, हिस्ट्री है, प्रणाम, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, रवि प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, लॉ, ऑप्शनल क्या चूज किया आप लोगों ने अभी तक? क्योंकि यूपीएससी फिलोसफी, अंकिता जा वेरी गुड, ज्योग्राफी वेरी गुड, ज्योग्राफी ऑप्शनल वेरी गुड, अंकिता तो ठीक है, बढ़िया है, ज्योग्राफी और ये है, अच्छी बात है। तो मेरे साथ तो आप लोग को फैक्चुअल ठीक है, हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर भी कुछ दिनों के बाद जरूरी पढ़ाएंगे हम लोग, सोशियोलॉजी अंकिता झा, ज्योग्राफी रवि प्रकाश, ज्योग्राफी, चलिए ये सब चीजें अच्छे, अच्छा सब्जेक्ट है नो डाउट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट ऑफ फील्ड जो हो वही चूज कीजिएगा, ये नहीं कि कोई बता दिया, हम बता दिए कि नहीं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो नहीं, आपको पहले एक बार एक चीज, आप लोग अगर फ्रेशर्स हैं तो, बाकी अगर पीटी वगैरह दिए हैं तो कोई बात नहीं है, पीटी भी दिए तो कोई बात नहीं, एक बार अगर एग्जाम में, आप लोग एक बार अपना इंटरेस्ट जरूर देख लीजिएगा, एक किताब जो है, जो भी आपको ज्योग्राफी का किताब है एक बार एनसीईआरटी का उठा के ही पढ़ लीजिएगा, या हिस्ट्री में है या एंथ्रो में है, जो भी सब्जेक्ट है एक बार उसको पढ़िएगा, आप देखिएगा कि इसमें मेरा इंटरेस्ट, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके बाद जो है फाइनली डिसाइड कर चुके हैं तो अच्छी बात है आप लोग। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है तो एक बार एक बुक पढ़ के जरूर देख लीजिएगा कि ये इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद फाइनली, चूंकि अभी वक्त है आप लोगों पास, 1 साल वक्त है अभी, उसके बाद फाइनली आप लोग डिसाइड कीजिएगा, जो कर लिए हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बेहद ही जरूरी है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना, और यही आपको मार्क्स दिलाता है। और दूसरा चीज क्या होता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आईएएस से भी, सॉरी जीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री ऑप्शन हो गया, इसमें 25 से 30% क्वेश्चन जो है वो जीएस में भी काम आता है, ठीक है ना, हिस्ट्री पढ़ने से जो फायदा है हमने बताया था आपको, बहुत सारे सब्जेक्ट जो है, पॉलिटिकल साइंस भी, ज्योग्राफी भी, जो हिस्ट्री का चीज है, या करेंट अफेयर, या इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी कवर कर लेता है। तो एक बार जो मेरा जो अपना अनुभव है कि जीएस चूज करने के पहले एक बार उस बुक को, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, 4-5 दिन आप देख लीजिएगा कि किस में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। फुल फ्रेशर है कोई बात नहीं है, लेकिन फुल फ्रेशर है आप लोग का इंटरेस्ट तो हम देखते हैं, चूंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग का इंटरेस्ट हिस्ट्री में ज्यादा है, हाँ, हिस्ट्री से आप लोग का
अच्छी पकड़ भी है आप लोग की, नो डाउट आप लोग की पकड़ काफी अच्छी है हिस्ट्री में, और जरूरी भी है, ऑप्शनल नहीं भी है, तो हिस्ट्री पढ़ना बेहद ही जरूरी इसलिए है कि इससे क्वेश्चन आते हैं, जीएस में क्वेश्चन आते हैं, और इसका ना कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे वहां देखेंगे अगर आप लोग को पकड़ होगी। ज्योग्राफी लिया है क्योंकि नहीं, गलती गलती की कोई बात नहीं है, आप अपना एक बार एक एक बुक जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, ज्योग्राफी लिया है, सोशियोलॉजी लिया है, या हिस्ट्री लिया है, मैथमेटिक्स लिया है, मैनेजमेंट, जो भी आप लोगों ने जितने सारे सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ज्योग्राफी जो भी लिया है, इकोनॉमिक्स, एक बार उसको पढ़ के देखें एक वीक तक कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कौन सा सब्जेक्ट। और मेन चीज ये है कि ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया है, ग्रेजुएशन में जो है जो आप लोगों ने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड, उसमें तो बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारी चीजें सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, या कई सारे लोग साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो आर्ट्स भी ऑप्ट करते हैं, ठीक। तो इसमें आप लोग को देखना है, क्योंकि साइंस भी पढ़ना जीएस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है, ये नहीं है कि हमने सिर्फ एग्रीकल्चर या मैथमेटिक्स या सोशियोलॉजी या हिस्ट्री ले लिया या ज्योग्राफी ले लिया तो मेरा काम खत्म, ऐसे नहीं होता है। आप लोगों के लिए ये बेहद ही जरूरी है कि इन सब सब्जेक्ट को जाना, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सारे को पढ़ना आपके लिए जरूरी है। कई बार मैथिली लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार हिंदी लिटरेचर से भी क्वेश्चन रहते हैं, कन्नड़ लिटरेचर से भी क्वेश्चन रहता है, तो ये नहीं समझ लीजिएगा कि ऑप्शनल चूज कर लिया और मेरा काम खत्म। हिस्ट्री यूपीएससी या सीएससी जो ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करने की जरूरत है, उतना ही पकड़ आपको साइकोलॉजी पे, उतने पकड़ नहीं लेकिन उतना ही, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो साइंस भी पढ़ना बेहद ही जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन होते हैं उससे, ठीक है ना। आर्ट्स, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो साइंस पढ़ना, साइंस के स्टूडेंट है तो आर्ट्स पढ़ना, ये सब चीजें जरूरी है। हिस्ट्री भी सुबह में पढ़ने में गुरु जी साइंस है, बिल्कुल ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, साइंस बैकग्राउंड जियोलॉजी ऑनर्स, ठीक है। एक मिनट सर, मैथिली भी है, हाँ मैथिली लिटरेचर भी आप ऑप्शनल जो है वो जो चूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको है भी, अगर मिथिलांचल के हैं आप, जैसे कि दरभंगा, जो बिहार में दरभंगा है वहां पे बहुत सारे लोग मिथिलांचल के भी हैं, तो इसको भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जैसे साउथ इंडिया में हो गया, कनाडा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और पहले तो काफी लोग हिंदी भी चूज करते थे और हिंदी में काफी मार्क्स सिक्योरिंग होता था एक टाइम में, एक टाइम में। और एक चीज और देखने की जरूरत होती है, अगर आप लोग वाकई में पढ़ना चाहते हैं और डेडिकेटली पढ़ना चाहते हैं तो हर टाइम में आप देखेंगे कि रिजल्ट जो आता है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे हम लोग भी देखते थे, एक टाइम आता है जिस टाइम में बूम होता है किसी खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, एक टाइम था जो 99 से 2001 तक, ठीक है ना, 99 2001 और 2 तक शायद, जिसमें हिंदी, हिंदी से हिंदी लिटरेचर जो पढ़ते थे उन लोगों का सबसे ज्यादा क्वालिफाई करते थे वो लोग। उसके पहले आप देखेंगे कि ज्योग्राफी जो लोग ऑप्ट करते थे ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनमें सबसे ज्यादा लोग क्वालिफाई करते थे, फिर आईटी वाले हो गए ये, तो एक बार इसको भी एनालाइज करके देखने की जरूरत है। हालांकि सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और साइंस बैकग्राउंड के लिए तो अच्छी चीज ये हो जाती है कि साइंस बैकग्राउंड के साथ साथ अगर आर्ट्स ऑप्शनल लेते हैं तो जो भी जीएस का एक पोर्शन जो होता है जो पूरे साइंस पे होता है, और साइंस वालों के साथ दूसरी चीज क्या होती है, वो मेहनती होते हैं, वो मेहनत करते हैं शुरू से, उनको एक लगन होती है एक चीज, वो टाइम फ्रेम में बंधे होते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करें, और कोई क्वेश्चन है आप लोग के पास तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। रिट्रैक्टेड भी हो रहा है पता नहीं क्यों, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, हर जगह के हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अनएकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देखिएगा, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट के लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले, ठीक
ठीक है। और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई, आपको आश्चर्य होगा कि इस प्लेटफॉर्म से 15,000 15,000 लोग जुड़े हुए हैं हर सब्जेक्ट के लिए, हर स्टेट के यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, और बिहार के लोग भी हैं इसमें नो डाउट। और ये देख सकते हैं आप कि हिंदी लिटरेचर, मैथिली लिटरेचर, मैथिली लिटरेचर एक्चुअली हम जानते भी हैं, मधुबनी कला आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, हम मिथिलांचल के लोगों को भी पता है। तो ठीक है, फाइनल हो गया, अब हम लोग आगे बढ़े। आप लोगों को जो हमने बताया कि एक बार अपने अपने इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट को जरूर देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में, गुड मॉर्निंग प्रियंका, कौन सा सब्जेक्ट टॉप करना है। यहाँ कई सारे ऐसे लोग भी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी का कई सारे एग्जामिनेशन भी दिए हैं लोग, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, और अभी भी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। और इस चैट पे आप लोग उन लोगों से भी बहुत सारा जो हेल्प ले सकते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग, माय डियर फ्रेंड, पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। जो आज का टॉपिक हमने, एक बार आप लोग यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान भी देख लीजिए क्योंकि ये भी बेहद ही जरूरी है, और NAV 01 कोड भी याद रखने की जरूरत है। तो चलो पढ़ाई करते हैं आप, ठीक हो गया, आप लोग समझते हैं। मोटिवेशनल सॉन्ग, शमीर सिंह, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एवरीवन इज फाइन, ठीक है ना, आयुष सिंह, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। कई बार आप लोग को हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, एक तरीके से पूरे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके बारे में हमने आप लोग को अवगत करा दिया है, पढ़ लिया आप लोगों ने मोटा मोटी। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये पूरे, ये कई बार एक क्वेश्चन भी आते हैं, असहयोग आंदोलन तो सबको जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इसका जो पूरे अखिल भारतीय स्वरूप क्या है, इस पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ये आंदोलन है, यहाँ पे महात्मा गांधी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या बहिष्कार का मूवमेंट ये तो किया असहयोग का, ब्रिटिशर्स के साथ असहयोग, लेकिन इसका जो इंडिया वाइड किस तरीके से ये आंदोलन चल रहा था, कई सारे आंदोलन में आप लोग देखेंगे कि ये आंदोलन कैसे चल रहा था और रीजनल लेवल पे कैसे चल रहा था, आंचलिक चीजें क्या थी, इसके बारे में हम लोग आज फोकस्ड करेंगे, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, आप लोग ऑप्शनल देख लीजिए ध्यान से, ये बेहद ही जरूरी है। आज हमने चलते चलाते आप लोग को एक बात बताई कि ऑप्शनल आप लोग चूज कर लें, अभी जरूरत है, और साथ साथ जीएस की भी पढ़ाई करते रहें। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे, ना केवल असहयोग आंदोलन और ना केवल जो है चोरा चोरी में हिंसक आंदोलन हुआ और वापस ले लिया गया, इसका जो है पैन इंडिया जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में हम लोग बात बात करेंगे कि अखिल भारतीय आंदोलन का जो फेज है जिसमें गांधीवादी कांग्रेस का नेतृत्व निर्धारित करना चाहता था, इसी तरीके से आंदोलन में आप देखेंगे कि विशिष्ट सामाजिक समूह जो है या वर्गों की भूमिका क्या थी। खास बात ये भी पढ़ने को मिलेगा कि आंचलिक स्वरूप, आंचलिक स्वरूप का मतलब आप लोग समझते हैं कि रीजनल एरिया में क्या क्या चल रहा था, ठीक है ना, रीजनल एरिया में कौन कौन से विद्रोह हो रहे थे। कल थोड़ा सा आप लोग को बताया भी था हमने कि रीजनल जो है किस तरीके से गुजरात में किस तरीके से आंदोलन चल रहा था, पंजाब में अकाली किस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, केरल में किस तरीके से आंदोलन हो रहा था, मोपलम में कैसे हो रहा था, इन सब चीजों पे हम लोग आज, बिहार में किस तरीके से आंदोलन हो रहा था, संयुक्त प्रांत में जो है कैसे आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में तो चल ही रहा था आंदोलन, असहयोग आंदोलन जिसको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसको कहा जाता है। और पहली बार जो है आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले अखिल भारतीय आंदोलन कब छेड़ा था, तो आप लोगों में से कोई बताएगा कि कब सबसे पहला जो अखिल भारतीय आंदोलन है महात्मा गांधी का वो कौन सा था। इसमें आप लोग को मल्टीपल क्वेश्चन ये दे, चंपारण है, खेड़ा है, बारदोली है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, दस कोई आंदोलन कर रहे थे। अच्छा चलिए, यहाँ आप लोग फोकस्ड यहाँ कीजिए, जरूरी है, आज का टॉपिक है जो आपको पूरा जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और किस तरीके से आंचलिक स्थितियां चल रही थी इसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो थोड़ा सा फोकस्ड, बाय फ्रेंड्स करण यादव। तो आज आप लोगों को बता दें, हम अभी तक रिप्लाई नहीं आया कि कौन सा महात्मा महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन था जो पैन इंडिया था, मतलब अखिल भारतीय स्वरूप का था।
चंपारण आंदोलन था कि खेड़ा आंदोलन था कि अहमदाबाद आंदोलन था कि असहयोग आंदोलन था कि सविनय दांडी मार्च था, कौन सा था? गुड मॉर्निंग सौरभ मौर्य, आप लोगों में से किसी का जवाब नहीं आया, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? कोई बात नहीं है शुभम मौर्य, नए नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों को भी काफी सपोर्ट मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पे, जितने लोग चैट के साथ हैं हमें भी सहयोग करते हैं, और असहयोग नहीं रहना चाहिए, सहयोग ही रहना चाहिए। चंपारण सहयोग, चंपारण असहयोग, ठीक है चलिए आ गया सब किसी का जवाब, असहयोग 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 असहयोग, बिल्कुल ठीक बात है कि जो असहयोग आंदोलन जो था फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी ने जो आंदोलन छेड़ा था, ठीक है, ये आंदोलन जो है पूरे इंडिया वाइड, और इसी को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको, लोगों को बताएंगे किस तरीके से पैन इंडिया, क्योंकि आप लोग अगर चंपारण इंडिगो फार्मर्स के अगेंस्ट में जो हुआ था वो रीजनल था, अहमदाबाद में भी था वो भी कृषकों के सपोर्ट में था वो भी रीजनल था मानेंगे इसको, और जो अहमदाबाद में मिल मालिकों के खिलाफ था वो भी जो था रीजनल इसको मानेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक जगह पे हुआ था, ठीक, लेकिन उसका इम्पैक्ट था ये नहीं मानेंगे कि इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन जो आप लोग ही कहते हैं कि जो यूपीएससी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही घुमा के पूछता है कि महात्मा गांधी का कौन ऐसा आंदोलन था और कि जो है पूरे भारतीय अखिल भारतीय, तो ये असहयोग आंदोलन 1919 के 22 वाला जो फेज है यही, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे, और यही चीज बारीकी जानने की जरूरत है कि पूरे जो इंडिया में किस तरीके से आंदोलन चल रहा था, इज दैट क्लियर? आगे बढ़े अब हम लोग, यस सर, ठीक है, तो चलिए देखिए असहयोग आंदोलन थोड़ा बहुत इसमें हम लोग 1930 की बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों जन आंदोलन था, एक बात ये लोग जानिए आप लोग कि ये जन आंदोलन था और ये जन आंदोलन का बहुत बड़ा युग इसको मानते हैं, क्योंकि आप लोगों को महात्मा गांधी ने जो है इस आंदोलन को जो है इस आंदोलन के लिए काफी तैयारी, जैसे आप लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं और फाइनली जो एग्जामिनेशन में आप लोग कूद जाते हैं, वैसे ही इस आंदोलन के लिए भी महात्मा गांधी ने जबरदस्त रूप से तैयारी की थी। हम बार बार आप लोग को बताते हैं कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे तो पूरे भारत का भ्रमण किए थे, उसके बाद कृषकों को जोड़ने के लिए वो अपने कर्म भूमि गुजरात को छोड़ के, वो अपना जन्मभूमि गुजरात को छोड़ के चंपारण पहुंच गए, उनका कर्म भूमि माना जाता है, फिर खेड़ा चले गए, फिर अहमदाबाद चले गए, ठीक है, वहां पे उन लोगों उन्होंने क्या किया, कृषकों को जोड़ लिया जो कृषक नहीं जुड़े थे इसके पहले, मजदूरों को जोड़ लिया, और उसके बाद जो है अखिल भारतीय स्वरूप के रूप में असहयोग आंदोलन का उन्होंने ये असहयोग आंदोलन छेद, और पूरे विश्व के, आप इसको मान लें कि पूरे विश्व के बड़े जन आंदोलन कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज ही आप समझे कि जो पूरे विश्व में जो है ये असहयोग आंदोलन जो हुआ था, और फर्स्ट टाइम जो साउथ अफ्रीका के बाद जो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो यही है राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए तीन स्तरों पे हम लोग बातचीत कर लेंगे, आज विश्लेषण भी करेंगे कि अखिल भारतीय आंदोलन का फेज जिसमें गांधीवादी कांग्रेस नेतृत्व तो निर्धारित करना चाहता था, आंदोलन का विशिष्ट सामाजिक समूह और वर्गों की भूमिका क्या थी, इसमें किस तरीके से चल रही थी, और खास बात ये भी पढ़ेंगे कि आंचलिक स्वरूप क्या था, आंचलिक स्वरूप का मतलब आप लोग समझते हैं वही रीजनल, अगर फणीश्वरनाथ रेणु का अगर आप लोग कौन सा है भूल गए उसको अगर पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने आंचलिक उपन्यास एक लिखा है, दिमाग से निकल जाता है, यू कहें कि आंदोलन को नीचे जो जो कई बार जो इतिहास जो लिखते हैं, जो हमने कई बार आप लोग को बता भी है कि इतिहास का एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है हिस्ट्री राइटिंग, जिसमें हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात की जाती है, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो आंदोलन सब पढ़ते हैं कि एक असहयोग आंदोलन हुआ उसके बाद चोरा चोरी हुआ यहाँ हुआ, लेकिन आंचलिक स्तर पे कौन सी परिस्थितियां थी, किस तरीके की परिस्थितियां थी, कैसे वो आंदोलन चल रहा था, इसके बारे में भी जानना जरूरी है,
जैसे कि हमने 1857 में पढ़ाया था कि उसके पहले जो है कौन कौन सा विद्रोह आयोजित हो रहा था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत क्या चीजें पनप रही थी, जो फाइनली तत्कालिक कारण कारण जब आया तो तत्कालिक कारण ये उसको आग में चिंगारी दे दिया। तो ऐसे ही जानने की जरूरत है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था, जो असहयोग आंदोलन के पहले कौन सी सुगबुगाहट थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आप लोग भी जब भी किताब पढ़ेंगे, जब भी हिस्ट्री का किताब पढ़ेंगे आप लोग, या कोई भी बुक कोई भी सब्जेक्ट की, तो इसमें ये चीज जानने की जरूरत है कि उसके आसपास, उस एरा के आसपास जो है पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में क्या क्या चल रहा था। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के स्टार्ट होने के कुछ ही दिन पहले जो है आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ था, और उसमें विश्व की जितनी भी ताकतें थी, ये ताकतें जो थी आपस में जो टकरा रही थी, और जो इनका फॉर्मूला था कि भाई ब्रिटिश जो है वो अपराजय है, वो हार नहीं सकते हैं, उनका सूर्य अस्त नहीं होता है, तो कई मौकों पे जो है वो देखेंगे आप कि वो बैकफुट पे आ रहे थे। और जो युद्ध होता है तो उसमें तो परेशानी हर स्टेट को, हर कंट्री को होती है, तो इसके बाद से ही ये आंदोलन भी शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, अरे ये बहुत बात समझ में, मोहन केंद्री, रानी सिंह एंड और लोग, रूबी खान एंड करण यादव। तो आज जो क्लास है थोड़ा सा अभी के समय में ही आधा घंटा थोड़ा ज्यादा हो गया आप लोगों से गप सप, तो इसलिए क्लास थोड़ा लेट भी चलेगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए। ठीक है, अखिल भारतीय आंदोलन जो हमने बताया, पहले स्तर को मान्यता प्राप्त आंदोलन कहा गया, यह जानेंगे कि क्यों मान्यता प्राप्त है। इसमें आप लोग जानते ही हैं कि छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया था, स्वदेशी मूवमेंट चला था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट चला था, फिर खिलाफत भी हुआ था, ये सब हमने पढ़ाया आप लोगों को। खिलाफत मूवमेंट भी साथ में चला था, हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, ये भी आप लोगों को पता है। चरखा काटने का जो कार्यक्रम था, जो रचनात्मक कार्यक्रम था, ये सब चीजें हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में हम चल रहे हैं। याद है ना आप लोग को विशाखा, याद है ना आप लोग को असहयोग आंदोलन में ये बातें हमने पढ़ाई हैं, फिर भी आप लोग को, चूंकि यहाँ से जो हम शुरू करेंगे उसे जानने की जरूरत होगी ज्यादा, ये असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मोटा मोटा रूप है इसको आप लोग जानिए। चरखा काटने का मतलब ये था कि आप लोग रचनात्मक कार्य में जुड़िए, और चरखा काटो या सफाई अभियान जो आज भी आप देखेंगे, जो अभी की केंद्र सरकार ने जो है स्वच्छता अभियान शुरू किया है, तो स्वच्छता अभियान जो है क्या है, एक दूसरे से जोड़ने का भी अभियान है। यही आंदोलन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में भी स्वच्छता अभियान, छुआछूत अभियान, हरिजन आंदोलन, ठीक है, चरखा काटो, ये सब होता था। तो ये सब जो है विकास के साथ साथ, अगर आप सफाई मूवमेंट चलाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, तो ये तो है ही, हेल्थ वाइज अच्छा है, लेकिन एक दूसरे को कनेक्ट करता भी ये है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल इनकाउंटर में काम देगा, इनकाउंटर किसको करना है। चलिए तो ये देखें, ये चीज समझ गए आप लोग, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे भी जो वकील थे, इन्होंने भी वकालत छोड़ दिया था। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है कि छात्र जुड़ रहे हैं इसमें, कृषक जुड़ रहे हैं इसमें, और जो है वकील जुड़ रहे हैं इसमें, जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये पैमाना इसका जो है वो अखिल भारतीय स्वरूप ले रहा है। ठीक है, जेल भरो आंदोलन भी हुआ था, लेकिन ये सब चीजें जो है अभी ऐसे ही हैं, ये सब आपको, आप लोग चैट में व्यस्त हैं इसलिए आपको बताया जा रहा था। ठीक, इसको एक बार देख लें, और अब जो है आप लोगों के पास, अगर चैटिंग छोड़ के आप लोग कॉपी पेन ले लें तो इसमें आप लोगों को भी पढ़ने में आनंद आएगा, कि एक बार जान जाइए आप लोग कि कौन सा गुट जो है इस असहयोग आंदोलन में सपोर्ट नहीं किया था। इसको आप लोग एक बार देख लें कि जो बड़े व्यापारी थे, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मिल मालिक थे, इनको मुनाफा होने लगा था,
ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो थे ये, लेकिन इन लोगों को मुनाफा हो रहा था। तो मुनाफे के टाइम में जो है, चूंकि पूरे वर्ल्ड में जब लड़ाई चल रही थी, तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको थोड़ा सा मुनाफा होता है, पैसा कमाते हैं वो लोग। तो इसमें इन लोगों ने जो है, अगर कॉपी पेन हो तो आप लोग लिख लें, चूंकि आज का टॉपिक हम लोग का दूसरा है, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठाकुर दास, जमुना दास, कावस जी जहांगीर, फिरोज सेठना, सेठना और शीतलवाड़ थे, इन लोगों ने जो है संस्थापक सदस्य थे इसके। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लें, फिर हम लोग आंचलिक भिन्नताएं समझ लें इसमें, कि आंचलिक भिन्नताएं क्या थी इस पूरे असहयोग आंदोलन में। ठीक है, अकाली आंदोलन में असहयोग आंदोलन से थोड़े समय के लिए ही जुड़े थे ये लोग, क्योंकि इनका अपना ये था। ठीक है, स्वर्ण मंदिर में खजाने की चाबी वाली बात हमने बताई थी, किशन सिंह और मोटा सिंह के नेतृत्व में बब्बर अकाली विरोधी समूह जो है रिवोल्यूशनरी तरीका अपना रहा था। रिवोल्यूशनरी तरीका मतलब कि वही जो बात हमने बताई आपको, मुंबई प्रेसिडेंसी को देखेंगे, जो मुंबई प्रेसिडेंसी था यहाँ पे सिंध के जो है मुस्लिम वर्ग व्यापारी जो है और किसान खिलाफत के आह्वान से काफी उत्साहित थे। ठीक है ना, सिंध में यानी कि ये जो धमक थी वो कहाँ पहुंच गई थी, सिंध लाहौर में भी पहुंच गई थी। हिंदू अल्पसंख्यक में दो महत्वपूर्ण नेता हो गए थे, जयराम, हिंदू अल्पसंख्यकों में जयराम दास दौलतराम और स्वामी गोविंदानंद गांधी जी के अनुयायी थे ये लोग। महाराष्ट्र में भी ये आंदोलन जो है अपेक्षाकृत कमजोर रहा। अब क्यों कमजोर रहा इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो असहयोग आंदोलन था वो अब एक जो और सारे स्टेट में जो था, और सारे जगहों पे जो था, प्रांतों में जो था, तो यहाँ पे क्यों महाराष्ट्र में कमजोर था? बताएं आप लोग कि क्यों महाराष्ट्र में कमजोर था भारतीय असहयोग आंदोलन जो था। यही चीज है जो हम लोग, हम बराबर आप लोग को कोशिश करते हैं कि हम आप लोग को बता सकें कि महाराष्ट्र में असहयोग आंदोलन क्यों कमजोर था अपेक्षाकृत दूसरे जो प्रेसिडेंसी थे, जो प्रांत थे उसमें। यहाँ फोकस अब जो है वो चैटिंग पे नहीं करके आप लोगों को जो है चैटिंग हम बंद करने जा रहे हैं। नेतृत्व क्षमता की कमी नहीं थी बिल्कुल, देखिए चैटिंग के साथ साथ ये भी जरूरी है यहाँ फोकस करना। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का वक्त आपके लिए भी कीमती है और मेरे लिए भी कीमती है। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म पे रहना जो है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो पढ़ने वाले भी जुड़ते हैं और नहीं पढ़ने वाले भी जुड़ते हैं। तो चीजों को नहीं समझ लीजिएगा तो कहा जाता है ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ठीक है ना, समय और समुद्र की लहरें जो है किसी का इंतजार नहीं करती हैं, और समय नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, किसी आम जो है वो सीए क्या कहा जाता है वो सबका एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं है। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, सॉरी कि कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़े समझे। देखिए यही जानने की जरूरत है, आप लोगों ने बहुत सारे क्लासेस किए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ पढ़े हैं, लेकिन वहां पे ऐसी बात नहीं है कि किसी ने जवाब दिया, जो लाल है उन्होंने जवाब दिया कि वहां पे नेतृत्व की कमी थी। नेतृत्व की कमी नहीं थी वहां पे, जो स्वराजी, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनमें आस्था जबरदस्त रूप से लोगों को थी। क्योंकि किसने आंदोलन वहां पे खड़ा किया था, अगर महाराष्ट्र को आप देखेंगे तो वहां के एक और एकमात्र उस टाइम में जो लीडर होते थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक की इन बिटवीन ही मौत हो गई थी, और बाल गंगाधर तिलक की जो विचारधाराएं थी वो विचारधाराएं कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से टकरा रही थी। क्योंकि वो क्या थे, किस तरीके के विश्वास करते थे, उन्होंने पहली बार ही कहा था कि ये जो मॉडरेट लोग हैं, मॉडरेट कांग्रेसी जो हैं वो भिक्षावृत्ति की राजनीति करते हैं, और हमें भिक्षावृत्ति की राजनीति नहीं करनी है, हमें मांग, जो चीज मांगने से नहीं मिलती है उसे छीन ली जाती है,
इस कॉन्सेप्ट पे ही थोड़ा बहुत जो है ये चलते थे। हालांकि उदारवादी भी थे ये, लेकिन चलते थे। और इन्होंने ही कहा कि स्वराज इज माई बर्थ राइट और मैं इसे लेके रहूंगा। तो इस वजह से जो है जो महाराष्ट्र के जो लोग थे वो उनका जो आंदोलन था वो उनका जो नेतृत्व करने वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। और वहां तक जो पहुंच है और थोड़ा सा उन लोगों का जो है महात्मा गांधी के जो नीतियां थी उसमें विश्वास कम था, ठीक। तो इस वजह से वहां पे जो है वो आंदोलन जो है वो थोड़ा सा कम दिखा था। तिलकवादी नेता गांधी जी के प्रति उदासीन थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप लोग तो आराम से, अगर यही है कि आप लोग सेंट्रलाइज नहीं है, अगर सेंट्रलाइज रहते तो यहाँ पे जवाब देने में आप लोग को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो नेता थे गांधी जी के प्रति उदासीन थे। सविनय में भी यह बात नहीं थी, सविनय आंदोलन में जो था ये बातें नहीं थी। जब 1930 और 32 का जब फेज आएगा, ठीक है ना, जो कि दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सेकेंड फेज जो है ये जब आएगा तो ये बातें नहीं दिखी थी। महाराष्ट्र भी उतने ही, महाराष्ट्र के लोग भी उतने ही शिद्दत के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इससे अब जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है यूपीएससी में कि किसने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब यूपीएससी का इस तरीके से क्वेश्चन नहीं है, अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि क्यों जो है वो महाराष्ट्र में जो है ये नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, हालांकि इसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। और देखिए कि क्यों इससे प्रमाणित कैसे होता है कि जब तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त को 1920 को, तो तिलक की 100 यात्रा जब निकली तो 2 लाख लोग शामिल इसमें हुए थे यहां से। और यहीं पे जो है इस यात्रा में महात्मा गांधी को इतिहासकारों ने लिखा है कि गांधी जी को संदेह की दृष्टि से देखते थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी को यहाँ पे जो 100 यात्रा इनका निकला और 100 2 लाख का, अगर 2 लाख की आबादी अगर महाराष्ट्र में निकलती है किसी पर्टिकुलर किसी नेता के लिए तो बड़ी बात है। मतलब एकमात्र जो नेता वहां पे महाराष्ट्र में थे, इससे साबित हो जाता है कि वहां पे थे। इस वजह से असहयोग आंदोलन जो 1919 और 22 तक जो इसका काल जो माना जाता है इसमें जो है वो उतने लेवल पे नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखें मुस्लिम बाहुल मालेगांव में तो आप देखिए कि आंदोलनकारियों ने पुलिस वालों को जिंदा ही जला दिया था, ठीक। अब देखिए कि गुजरात में यह आंदोलन क्यों सशक्त था, ऐसे ही जानने की जरूरत है कि गुजरात में यह आंदोलन सबसे सशक्त था। आप लोग समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में जहां आप देखेंगे, और आज की जो पढ़ाई है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और आज की पढ़ाई में ही आप लोग थोड़ा सा अनर्गल चीजों में ज्यादा ये हो गए हैं, क्योंकि ये आज अगर आप लोग समझ जाएंगे मेरे साथ जुड़ के तो एक बात तो तय है कि इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन पे जब भी टॉपिक की चर्चा होगी आप लोग जो है उसमें कहीं से भी पीछे अपने आप को नहीं पाएंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन हमने पढ़ा दिया। अब असहयोग आंदोलन की जो बारीकियां हैं, और ये आंदोलन ही डिसाइड करता है कि अब आगे का आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। इसी आंदोलन में जब आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ते हैं और यहाँ से किस तरीके से जो है जिस खिलाफत में, खिलाफत आंदोलन से ये प्लेटफॉर्म पे आते हैं और फिर यहाँ से जो धाराएं जो है वो कैसे चेंज हो जाती हैं, यहीं से आप देखेंगे कि किस तरीके से कम्युनिस्ट विचारधाराएं आ जाती हैं। इसी आंदोलन के बारे में आप देखेंगे कि क्रांतिकारी विचारधाराएं कैसे आ जाती हैं। इसी आंदोलन में देखेंगे कि जो यूथ जो है जो यंगस्टर हैं वो किस तरीके से इस आंदोलन से जुड़ते हैं, क्रांतिकारी किस तरीके से आंदोलन से जुड़ते हैं। तो इस आंदोलन को ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में समझना जो है वो बेहद ही जरूरी है। और आज ही जो है आप लोगों ने जो है यूआईडी फ्री 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 और इसी चीज को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस बातें बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, यस और नो, तो फिर हम आगे बढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली, आर यू चैटिंग चैटिंग प्रॉपरली? इससे अच्छा है चैंटिंग कर लीजिए, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, और गॉड 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 कर लीजिए।
चलिए, विशाखा का जवाब आ गया इसलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। चूंकि बहुत सारे लोग चैट ऑफ कर लिए होंगे इस वजह से रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, चैट ऑफ कर लीजिए और हम भी चैट ऑफ कर लेते हैं, आप लोगों की बातें नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, हमने बताया कि महाराष्ट्र में जो है ये आंदोलन बहुत सशक्त नहीं था और गुजरात में होना भी था। आज भी आप लोग अगर देखेंगे कि गुजरात में जब इलेक्शन होता है तो गुजरात में जो, क्योंकि जो नेतृत्व है वो कहाँ का है, गुजरात ही नहीं, यहाँ नेतृत्व जो है गुजरात का है, तो गुजरात और यहीं पे ये भी सशक्त आंदोलन जो था बिहार में भी जबरदस्त रूप से था। बिहार में भी ये आंदोलन जो था वो बहुत ही सशक्त रूप से था, यानी कि इसको आप लोग इस तरीके से याद करें कि महात्मा गांधी के जन्म भूमि से लेके कर्म भूमि तक जो है ये आंदोलन सशक्त रूप से था। ठीक है, हालांकि संयुक्त प्रांत में जो था, जो यूपी का जो पार्ट था उसमें बहुत ज्यादा नहीं था, इसको भी हम आगे आप लोग को पढ़ाएंगे बताएंगे कि गुजरात गांधीवादी आंदोलन जो गुजरात में सबसे सशक्त था, गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा के आंदोलन की बात थी, लेकिन इसके पहले आप देखेंगे कि खेड़ा खेड़ा और अहमदाबाद अहमदाबाद इससे इस आंदोलन से गांधी जी को काफी सहयोग मिला था। यहाँ पे आपको कृषक भी जुड़ गए थे, यहाँ कृषक भी जुड़ गए थे और यहाँ जो मजदूर भी जुड़ गए थे, इसलिए आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है सशक्त रूप से गुजरात में था। देखिए कि बलसाड़ और खेड़ा आंदोलन ने भी पहले से ही जमीन तैयार इस आंदोलन की थी, यही है आंचलिक चीजें। और अभी ये सिर्फ बिहार गुजरात में हम नहीं सिमटेंगे, अभी हम लोग पंजाब भी जाएंगे, संयुक्त प्रांत भी जाएंगे और बंगाल भी जाएंगे कि किस तरीके से वहां कैसे कैसे आंदोलन चल रहा था, केरल भी जाएंगे, साउथ इंडिया आंध्रा भी जाएंगे, वहां की चीजों को भी हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोग पूरा टाइम लेकर तैयार रहिए आज मेरे साथ पढ़ने के लिए। और फिर 12 आप लोग के लिए हम बता दें 12:30 में MSQ भी है आज, पूरे पढ़ाई का निचोड़। आप लोग अगर इसमें ज्वाइन करते हैं तो पूरा फ्रीडम मूवमेंट जो है आप लोग एक बार समझ जाएंगे, जितने दिन से आप लोग जुड़े हुए हैं उसका पूरा निचोड़ मैंने तैयार किया है। और ना केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें है, बल्कि उसमें जो है आपको पूरा डिस्क्राइब भी किया हुआ है, आप लोग आंसर राइटिंग स्किल भी उससे जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पे MSQ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बताएं कि बलसाड़ और खेड़ा आंदोलन जो है जमीन पहले ही तैयार किया था, गुजराती व्यापारी व्यवसायी और क्लर्कों के वर्ग का काफी समर्थन मिला था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो गुजरात और मुंबई में रहने वाले गुजरातियों का भी सहयोग मिला था, यानी कि आप लोग असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुजरात में सबसे सशक्त भूमिका में ये लोग थे। गुड मॉर्निंग कुंवर देवेश जी, गुड मॉर्निंग, इतने लेट से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं आप। चलिए, तो गुजरात में सशक्त था ये हमने बता दिया आप लोगों को, महाराष्ट्र में क्यों सशक्त नहीं था ये भी आप लोग जान गए, और इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं। अब देखिए कि मोपला मोपला विद्रोह, अगर आप लोग पास कॉपी पेन हो तो आप लोग जो है इसको जॉट डाउन कर लें, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये देखिए कि वक्त कौन सा है, वक्त वही वही वक्त है, वही दौर है जहां पे जिसको आंचलिक रूप से जो हमने बताया कि रीजनल लेवल पे क्या हो रहा था, तो इसे समझने की जरूरत है। आप लोगों में से जानते भी होंगे लोग कि मोपला कहाँ पे है, सबसे पहले ये जान जाइए, केरल का पार्ट है, साउथ इंडिया का पार्ट है, केरल का पार्ट है। यहाँ भी एक तरीके से जो है ये विद्रोह किसके खिलाफ चल रहा था, तो स्थानीय जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो कमोबेश जो बातें थी वो वही थी जो यहाँ जमींदार के साथ, जो शोषक वर्ग है, शोषक वर्ग में जो था जमींदार भी थे और शोषक वर्ग में ब्रिटिशर्स भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी चल रहा था, ये तट कौन सा था, यह विद्रोह मालाबार के एरनद जो हमने बताया भी है और वल्लुवानद जो तालुका थे इसमें सबसे ज्यादा ये विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह जो है ना पूरे तरीके से एक अलग चैप्टर भी है इसमें कि किस तरीके से यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको कई बार एक जो गुजरात में जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में, जो गोधरा हुआ था उसके बारे में भी आपको समझ में आएगा, पालघाट की बातें भी समझ में आएंगी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही के खिलाफ था,
वहां पे तो एक कहीं ना कहीं वो असहयोग आंदोलन से ही ये आंदोलन भी जुड़ रहा था। ये यहाँ अंग्रेजों ने दंगा कराने का प्रयास किया था, क्योंकि बांटो और राज करो, फूट डालो और जीतो की जो राजनीति थी, यहाँ पे जो है पॉलिटिकल सिस्टम में दंगा कराने का प्रयास किया गया था। और इसी को आधार बनाकर जो है विनय दामोदर सावरकर ने मोपला नामक एक उपन्यास की भी रचना की है। ठीक है, वीडी सावरकर आप लोग समझ सकते हैं कि घोर रूप से जो थे वो कांग्रेसी तो थे ही, साथ साथ जो है बाद में जाके हिंदुवादी भी हो गए थे वीडी सावरकर, और इन्होंने ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। ठीक है, अब इसमें देखिए साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह भी यहाँ पे हुआ था। अब इस टाइम में सशस्त्र विद्रोह की बात हो रही है, और सच्चाई यह भी है कि मोपला जो है सांप्रदायिक कट्टरपंथी मात्र थे, ये भी इसको भी आप सच्चाई से अलग नहीं कर सकते हैं कि ये विद्रोह जो हुआ था कई बार कई मायनों में कई दृष्टिकोण से इतिहासकारों ने इसको डिस्क्राइब किया है अपने अपने शब्दों में। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा लाल, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस तरीके के टॉपिक से, क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के लिए ये सब क्वेश्चन मायने नहीं रखता है, और ना ही बहुत ज्यादा इसमें उस तरीके से वैसी मानसिकता को त्यागनी पड़ेगी जो सांप्रदायिकता को जो है वो बढ़ावा देती है, उसकी मानसिकता को त्यागनी पड़ेगी, तभी आप जो है यूपीएससी का सही डायरेक्शन में पढ़ पाएंगे। अगर दिमाग में खजड़ रहेगा तो इस खजड़ से जो है वही चीज समाहित होंगी। तो इसमें हमको मोटा मोटी फैक्ट जानना है और दोनों चीजें जानना है, सांप्रदायिक था सांप्रदायिक नहीं था, बस इससे ताल्लुकात रखना है, इससे ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे ताल्लुकात रखना है। अब हिंदुवादी घटनाएं कैसे हुई इससे हमको बहस नहीं, हाँ कोरिलेट जरूर करना है उससे कि आज के संदर्भ में आज के पॉलिटिकल सिस्टम में उस टाइम में क्या हो रहा था, इसको कोरिलेट करके जो विजन जो है अपना बड़ा करके जरूर पढ़ना है, लेकिन उन तथ्यों में नहीं घुस जाना है जिन तथ्यों में जो है मानसिकता अपनी खराब करती है। ठीक है, वैसे ठीक है, आपका जवाब अच्छा है, होना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पे जो है इतिहासकार जो फैक्ट लिखते हैं, हम लोग को वहां पे जाना है कि यहाँ जबरन मुसलमान बनाए जाने की भी घटना इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है ना, जो आज भी होता है उस टाइम भी होता था कि किस तरीके से जो है वो धर्म परिवर्तन की बातें होती थी, मिशनरी धर्म परिवर्तन कराते थे, कई आंदोलन देखे आपने, मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराते थे, अब हिंदू भी धर्म परिवर्तन कराते हैं, धर्म में वापसी भी होती है, तो इसको जानने के जो इतिहास पढ़ने का यही तथ्य जो है बेहद ही जरूरी है कि किस टाइम में किस वक्त में क्या हो रहा था और अप्लाइड हिस्ट्री में क्या हो रहा है, आज के संदर्भ में भी इसको जोड़ के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप देखिएगा कि चौंकाने वाली बात यह भी है कि मोपला में एक नंबूदरी ब्राह्मण होते थे, चार नायर भी इसमें शामिल थे। तो एक जगह जो इतिहासकार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कौन सी घटनाएं घट गट रही हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली चीज है सांप्रदायिक है, लेकिन यहाँ पे जो है नंबूदरी ब्राह्मण जो है चार नायर जो है वहां के वो लोग भी मोपला में शामिल है, जो इतिहासकारों ने जिस तरीके से तथ्यों को जो है ना चिट भी और पट भी, तो ये दोनों चीजों को हमें जानने की जरूरत है। ठीक है ना, कि मोपला विद्रोह को पूरे बारीकियों से पढ़ने की जरूरत है और किस इतिहासकार ने किस थॉट ने क्या लिखा है इसको जानने की हमें जरूरत है। एक तरफ का इतिहासकार कह रहे हैं कि साम्राज्यवाद के खिलाफ इसी को समझने की, और ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एक तरफ कहा जा रहा है कि साम्राज्यवाद के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह है, एक तरफ कहा जा रहा है मोपला विद्रोह में क्या कि जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह है, एक तरफ क्या कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक है, ठीक है, एक तरफ क्या कहा जा रहा है कि विनय दामोदर सावरकर ने पूरा मोपला इतिहास भी लिखा है, दूसरी तरफ आप देखें कि मुसलमान जबरन बनाने का भी तथ्य यहाँ पे मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये भी चौंकाने वाली बात मिल रही है कि मोपला में नंबूदरी और चार नायर भी जुड़ते हैं इस आंदोलन से। ठीक है, तो इसको इस प्रोस्पेक्टिव में माय डियर फ्रेंड्स पढ़ें, अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी थॉट है, इसको पढ़ें आप लोग। ठीक है, इसमें अब ये जाने कि अली मुसलियार, कई बार क्वेश्चन पूछे अली मुसलियार, वारियान का नातू, कुंज अहमद हाजी, सीथी कोयल ठंगल,
जैसे कई नेता जो हैं इस मोपला विद्रोह में शामिल थे। और विद्रोह को देखिए, एक बात समझ लीजिए आप लोग कि इस विद्रोह को दबाने में जो ब्रिटिशर्स जो थे वो ये नहीं देखते थे कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, वो इन बातों को वो नहीं देखते थे। इसीलिए जो लड़ाई का जो मंच, जो भारतीय आजादी का जो मंच बना, उसमें एकता का जो फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला नहीं कहें इसको, एकता का मंच स्थापित किया गया कि ब्रिटिशर्स, आप एक बात सोच लीजिए कि अगर जब कृषकों के अत्याचार होता था, वो पूरा एक कृषक वर्ग होता था, ना केवल हिंदू कृषक होता था, ना केवल मुस्लिम कृषक होता था। अगर व्यापारियों पे अगर जो ब्रिटिशर्स जो हैं कानून थोपते थे, तो वो हिंदू व्यापारी और मुस्लिम व्यापारी में नहीं बटा हुआ था। मजदूर अगर है, मजदूरी अगर कर रहा है मिल में, अगर मजदूर मालिक जो है वो उनके ऊपर कुछ थोप रहा है या टैक्स मांग रहा है या पैसा मांग रहा है, तो वहां पे वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं अंतर बिठा रहा है। बिठा कौन रहा है हिंदू मुस्लिम में? तो ये ब्रिटिशर्स हैं, वो जबरन बांटो और जीतो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बातों को समझने की जरूरत है मधुकर जी के जो लाल हैं आप। ठीक है, तो चूंकि आप लोग ये इतना सीरियसली इसको लीजिए, इस तैयारी को, इस प्रिपरेशन को, अगर आप लोग इस मंच पे हैं तो इसको सीरियसली लेने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। ये नहीं कि बस एवी कुछ ही, जो यहाँ की जो भाषा है एवी, इससे नहीं काम चलेगा। इसको पढ़ने की जरूरत है, बारीकियों से पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उनका कितना विजन, कितना क्लियर रहता है, विजनरी होते हैं, विजन बिल्कुल क्लियर रहता है। और जहां इस विजन में क्लियर नहीं है अगर आप लोग के पास, तो फिर बहुत सारी, अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ानी है। आप लोग तो थोड़ा सा चैटिंग में आज व्यस्त हो गए, लेकिन आज कई सारी चीजें हम चाह रहे थे कि आप लोग को क्लियर करा दें, डिवाइड एंड रूल, बहुत सारी चीजें हम चाह रहे थे। ठीक है, तो देखिए, जब इसको, इस विद्रोह को दबाया गया तो इसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया, और विद्रोह दबाने में 43 सैनिक भी मरे। कितना बड़ा जन आंदोलन होगा कि जो सैनिक को भेजा ब्रिटिशर्स ने, और सैनिकों भी मरे और 126 लोग घायल हुए, 50,000 लोगों को जेल भेज दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा आंदोलन था कि 50,000 जो है, 50,000 लोग जो है इस आंदोलन से जुड़े होंगे, कम से कम 1 लाख लोग, ताकि इसमें 50,000 लोगों को जेल भरो आंदोलन जो चला होगा उस टाइम में। असामाजिक तत्वों को जो है यूपीएससी करना नहीं है इसलिए, लेकिन वो लोग भी पढ़ने, कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, वो थोड़ा सा मजा लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो पढ़ाई है, पढ़ाई पे ही ज्यादा फोकस। तो बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं? अगर चैटिंग पे आप लोग तो यस और नो कर दीजिए, तो फिर आगे हम जो है गांधी बाबा की जय करा दें आप लोग को, गांधी बाबा की जय कराने के लिए आप लोग बताएं कि बातें समझ में आ रही हैं। आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? समझ रहे हैं आप लोग चीजों को? गुड, जो पढ़ने वाले हैं, एक चीज तो है, मेरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं, कम लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, पीटी के बाद थोड़ा सा कम लोग हो गए थे, लेकिन जो भी लोग हैं उसमें 99% जो लोग हैं वो फोकस्ड हैं और वो पढ़ने वाले हैं। उनका ये मर्जी नहीं है कि चलो बाद में वीडियो देख लेंगे, अरे चलो बाद में पीपीटी देख लेंगे। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज है, और यही हमें भी बूस्टअप करती है कि नहीं, सुबह 9 बजे किसी तरीके से आपके सामने हम हाजिर हो जाएं। यही रीजन भी है कि चूंकि पढ़ने वाले होंगे, तो एक मन में सोते समय भी जो है रात में एक बना रहता है कि नहीं, बच्चे जो है सुबह में जो है वेट कर रहे होंगे, और ये वेट कर रहे होंगे तो उनको किसी तरीके से जो है वो पढ़ाना है, भले ही सर दर्द कर रहा हो या नींद नहीं आई हो, लेकिन उन लोग को पढ़ाना है, और बेहतर तरीके से पढ़ाना है। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए भी अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और यही होता है,
एक वो है ना, एक कहावत की, धावे की वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो धारा विपरीत ना हो। सुना है आप लोगों ने, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, तो इसी विपरीत धारा में जो है, प्रतिकूल धारा में जो है पढ़ने की जरूरत है, यूपीएससी की तैयारी करने की जरूरत है। हाँ, आप लोगों का भी बहुमूल्य समय है, मेरा ही बहुमूल्य समय नहीं है। सबसे बड़ा चीज तो है कि आप लोग को एक राइट डायरेक्शन मिल जाए, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए, ताकि आप लोग की पढ़ाई शुरू हो जाए। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि आप लोग को एक डायरेक्शन, यूपीएससी के लिए सबसे बड़ी चीज है कि एक डायरेक्शन मिलना, एक किस डायरेक्शन में जाना है, किस स्टेडियम में दौड़ना है। क्योंकि बाहर सड़कों पे तो बहुत सारे लोग दौड़ते रहते हैं, बहुत सारे लोग मैराथन करते रहते हैं, लेकिन जिस स्टेडियम में हमें दौड़ना है, उस स्टेडियम का लाइन लेंथ जो है वो जानना बेहद ही जरूरी होता है, तभी आप 100 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर की दौड़ में कामयाब हो सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी भी के प्रिपरेशन के लिए भी हम बार बार कहते हैं कि एक लाइन लेंथ मिलना, एक दायरा मिलना जो है बेहद ही जरूरी है, तभी जो है सही डायरेक्शन में। और अगर आपको डायरेक्शन मिल जाता है, हम लोग भी जब पढ़ते थे कि अगर आपको डायरेक्शन मिल गया कि इस दिशा में हमें जाना है, तो उसी दिन आप मान जाएगा कि आपका 50% जो है वो प्रिपरेशन जो है कंप्लीट है, और 50% ही आपको पढ़ना है। क्योंकि इसमें इसी बात को समझने, चूंकि ये समंदर है, ये जो यूपीएससी का प्रिपरेशन सब्जेक्ट जो है वो समंदर है, अगर बीच मझधार में फंस जाएगा तो किनारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उस स्टेडियम में ही दौड़ लगानी है जिस स्टेडियम में हमें दौड़ना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब गांधी बाबा की जय कर दी जाए हम लोग की, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में किस तरीके से वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसका यही कहने का मतलब है, अनिल कुमार मिश्र का नहीं है ये, किसने कह दिया अनिल कुमार मिश्र का, फिर गूगल 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 हो गया ये। ये मैथिली शरण गुप्त का कहना है, ये जो कहा है मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, ये अनिल कुमार मिश्र ने नहीं कहा है। ठीक है, तो यही है चीजों यहाँ पे जो बताने का मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब चैटिंग पे कुछ अनर्गल बातें हो जाती हैं, तो उस अनर्गल बातें को छोड़ के हम जो है, जब इस परिस्थितियों में जो है उसमें पढ़ने का कोशिश करना है। चलिए नेक्स्ट, चूंकि आप लोग का भी टाइम कीमती है, तो इसमें देख लीजिए कि असम में जो नॉर्थ वेस्ट है, इसमें गांधी गांधी बाबा की जय लोग लगाते हैं। आ जाए अपने फोकस पे, गांधी बाबा की जय और गांधी राज आ रहा है। अब देखिए कितना लोग वहां पे इंस्पायर्ड होते हैं, असम में जो है कितने लोग इंस्पायर्ड हैं कि ये लोगों का ये मानना था असहयोग आंदोलन में कि गांधी राज आ रहा है, और गांधी राज आ रहा है तो असहयोग आंदोलन में जो है वो कूद पड़ो। असम अलग थलग रहने वाला प्रांत था, ठीक है, जैसे कि आज भी आप लोग देखेंगे, लेकिन इसमें असहयोग आंदोलन ने सशक्त रूप यहाँ पे धारण कर लिया था। कई बार हमने बताया, रानी गिडालू के बारे में भी हमने पढ़ाया था कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोगों को, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं कहाँ हुई, सुरमा घाटी, आप लोग को पता है असम में चाय का बगान है जबरदस्त रूप से है, तो ये सुरमा घाटी जो था, इसमें आप लोग जो सुरमा के जो वीर थे, ठीक है ना, ये लोग क्या कहते थे कि गांधी महाराज की जय नारा लगाते हुए पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग। ये आंचलिक चीजें हैं, इसी को जानने की जरूरत है कि यहाँ जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफत में तो है ही, लेकिन इनकी सबसे पहली मांग क्या है, सबसे पहली मांग ये है कि हमारी पारिश्रमिक को बढ़ा दो, ठीक है ना। पारिश्रमिक का मतलब जो मजदूरी है मेरी, उसको बढ़ा दो। इसके खिलाफ में ये लोग आंदोलन वहां पे सुरमा घाटी में चाय के बगान में कर रहे थे। और ये लोग कौन थे, इसके बारे में भी आप लोग जान जाइए। कल ही हमने पढ़ाया था, चारकोल घाटी के जो बगान के मजदूर थे, कहाँ से गए थे, बस्ती और गोरखपुर से, जिन्हें जबरन लाया गया था। अब सोचिए कि चाय बगान की खेती के लिए जो है ये जबरन लाया गया था, ठीक है। गांधी बाबा की जय,
चलिए, तो ये बातें समझने की जरूरत है। और गांधी जी की आज्ञा कहते हुए कि उन्होंने वहां पे क्या कहा कि गांधी महाराज की जय, और गांधी जी की आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा पालन करते हुए यहाँ पे आइए, पालन गांधी जी की आज्ञा का पालन करते हुए 8,000 श्रमिक जो थे वहां पे, करीब 52% मजदूरों ने बगान छोड़ दिया। तो ये भी एक तरीके से आप देखें कि वहां पे भी जो है असहयोग आंदोलन एक तरीके से अपने रूप में चल रहा था। ठीक है, कृषि वाणिज्यकरण। ठीक है, असम में जो है अधिकांश कांग्रेसी बगान में हड़ताल के पक्ष में नहीं थे। जो कांग्रेसी थे, आप देखिएगा कि यहाँ पे भले ही ये पारिश्रमिक की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेसी नेता थे और क्यों नहीं थे वहां पे बगानों में हड़ताल, क्योंकि आज के संदर्भ में भी हमने इसको पहले भी पढ़ाया है, क्योंकि वहां पे जो है बगान जो मालिक होते थे वो कौन थे, तो यही पॉलिटिकल सिस्टम में जो समाहित लोग थे वही जो थे वो बगान के मालिक थे। और बगान के मालिक थे तो अगर हड़ताल अगर कृषक कर देते हैं, अगर मजदूर कर देते हैं, तो फिर उनका जो है धंधा जो है वो चौपट हो जाएगा। इसलिए वो जो है जो इतिहासकारों ने जिस तरीके से लिखा है कि ये लोग नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि हड़ताल नहीं हो, लेकिन पारिश्रमिक को लेके जो श्रमिक थे वहां के वो हड़ताल जो है बगान छोड़ दिए, हड़ताल कर दिए गए। तो ये इम्पैक्ट जो है, अब सोचिए कि असहयोग आंदोलन का ये इम्पैक्ट जो है असम तक गया। भले ही उनकी अपनी निहित जो है वजह थी, लेकिन ये आंदोलन वहां पे भी चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ताना भगत आंदोलन सुना होगा आप लोगों ने, एक बार जान जाइए आप लोग ताना भगत, यानी कि ये पहले भी है बिहार में। ठीक है ना, शुरुआत जो हुआ था ये 1914 में हो गया था। वर्तमान में जो जो है ये ताना भगत क्षेत्र कहाँ पे है, ये वर्तमान में जो है झारखंड में है। ठीक है, ऊंची दर और चौकीदारी कर के विरुद्ध किया गया था। यहाँ पे आ रहा है आप लोगों को समझ में, बहुत ज्यादा अगर लेट हो गया आप लोग को तो कहिए, तो यहाँ पे स्टॉप कर दें हम अपनी पढ़ाई, कि आगे तक आप लोग को पढ़ाई करनी है, मैराथन पढ़ाई। किसी ने कहा था कि सर मैराथन करा दीजिए, तो मैराथन करा दें या फिर अभी ही जो स्ट्रीमिंग ऑफ करें, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक पढ़ना है या स्टॉप दैट करें, क्योंकि 12:30 बजे आप लोग के साथ फिर MSQ में भी आना है। अभी आप लोग को ताना भगत आंदोलन भी पढ़ना है, टीका आंदोलन बाराबंकी भी पढ़ना है, दक्षिण भारत में क्या स्वरूप था ये भी पढ़ना है, रंपा विद्रोह पढ़ना था, कल्कि अवतार, आज कल्कि का कई गूगल जो है वो भी बता रहे हैं, ये भी पढ़ना है, गुरुवायूर मंदिर सत्याग्रह पढ़ना है, बंग भंग की तुलना करना है इससे, बमफोर्ट की हिस्ट्री पढ़ना है आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, ये जो है टॉपिक ये हम कल के लिए रखते हैं। ठीक है, बाकी जो रिमेन है पार्ट 2 जो है वो कल आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मैराथन की ताकत तो है, लेकिन आप में जो गुद्दी है ना, दिमाग की गुद्दी निकल जाएगी। ये टॉपिक जो है हम कल पढ़ते हैं, ताना भगत आंदोलन, एका आंदोलन, बाराबंकी का, साउथ इंडिया का कल पढ़ेंगे हम लोग, रंपा विद्रोह जिसमें कल्कि अवतार के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, विष्णु के अवतार जो होते हैं ये सब जो है उसी काल में होते हैं। आपको हम बता दें कि सब असहयोग आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कल हम लोग कल करा दीजिएगा सर। ठीक है, कल करा देंगे, क्योंकि और आप लोग 12:30 में ज्वाइन कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 12:30 में जो है, 12:30 12:30 PM जो है क्या है MSQ MCQ। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, थैंक फॉर वाचिंग, NAV01 कोड याद रखें आप लोग। ठीक है, और जो हमने बताया इंट्रोडक्टरी ऑफर कल तक किए हैं आप लोग देख लें,
लालम के लाल के साथ जो लालम के लाली है सब लोग देख लें, ताकि कल हम लोग जो है पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 100+ टॉप एडुकेटर की टीम भी है मेरे मेरे साथ भी जुड़ के, आप लोग जानते ही हैं। एंड व्हाट यू विल गेट इन दिस प्लेटफॉर्म, डेली लाइव क्लासेस, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अभी शुरू नहीं हो रहा है, शुरू के आगे यही है पढ़ाई का तरीका। आप लोग को थोड़ी देर और ठहर के हम बता दें कि रिवीजन इज मस्ट। आपने एक बार पढ़ लिया फिर उसको रिवाइज कीजिए, जैसे रिवाइज कीजिएगा आपको कुछ ना कुछ और मिल जाएगा। तो यही आपको फिर से हम एक बार रिवाइज करा रहे हैं। चलिए लेट्स क्रैक इट। यूपीएससी सीएससी आज बहुत भाषण भी हुआ और आप लोगों के साथ अच्छा भी लगा, लेकिन इसके बाद जो है वो आप लोग एमएसक्यू में नहीं ज्वाइन कीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन वहां पूरा एक राष्ट्रीय आंदोलन से क्लियर होने का वक्त मिलता आप लोग को, ठीक है दोस्त। रिवाइज हो गया, ये शुरू नहीं हो रहा है, ये लास्ट हो रहा है। थैंक फॉर वॉचिंग। कल जो है सेकेंड पार्ट बताएंगे हम, और आप लोग फिर से कल एक बार डिसाइड करके आप लोग पहली बार जो है सोच लीजिएगा कि आप लोग को ऑप्शनल क्या रखना है। ये बेहद ही जरूरी है क्योंकि हमें स्टेडियम में दौड़ना है, और स्टेडियम में दौड़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेडियम का लाइन लेंथ क्या है, हमारे सब्जेक्ट का लाइन लेंथ क्या है, हमारी रुचि क्या है, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स क्रैक इट। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं कल सुबह में। और टेलीग्राम चैनल हमने बताया कि आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं टेलीग्राम चैनल से, इस वजह से आप लोग को नोटिफिकेशन भी नहीं मिल रहा है। अनएकेडमी _ नवनीत सरन के साथ अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो आप लोग को टाइम टू टाइम, और टेलीग्राम चैनल बनाना जो है बेहद ही आसान है, हमने कई बार आप लोग को बताया भी है। तो